अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए पिज्ज़ा और शवरमा दोनों को मिक्स करके एक रेसिपी लेके आई हूँ। ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, आपने रेसिपी को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट लिया है। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून वार्म वाटर और हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ग्रेनुलेटेड शुगर। और उसके बाद आपने इसको मिक्स करके थोड़ा सा ब्लूम अप होने के लिए रख देना है फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद आपको चाहिए है 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल या बटर, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं लेकिन मेल्टेड होनी चाहिए। उसको आप ऐड करेंगे 2 कप मैदे के अंदर, उसमें आप ऐड करेंगे 3 से 4 पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक, और उसमें फिर आप ऐड करेंगे 1/2 कप वार्म मिल्क। आपको थोड़ा सा वार्म यानी गर्म दूध लेना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, बस वार्म लेना है। उसको ऐड करेंगे और उसके बाद मैं अपना ईस्ट वाला जो मिक्सचर था उसको ऐड करूँगी और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं और आफ्टर दैट हम इसे कर लेंगे। मिक्सचर को आप प्रॉपरली मिक्स कर लें और उसके बाद जब ये क्रम फॉर्म में आ जाएगा तो हाथ की मदद से आपको इसको इकट्ठा करना है। 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे पानी की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, मेक श्योर आपका पानी जो है वार्म हो। इस तरह से इसको आपने कर लेना है, जब ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा नीट करें, ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो है इसकी फर्मेंटेशन टाइमिंग यानी कि इसको आपने राइज होने के लिए 3 to 4 आवर्स तक ज़रूर रखना, क्योंकि आजकल ठंड भी है, तो इसको कवर करें प्रॉपरली और किसी वार्म जगह पे 2 से 3 या 3 से 4 के लिए जो है वो छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप में हम शवरमा सॉस प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिया है दही, उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ और उसमें मैं ऐड करूँगी ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ काली मिर्च। उसके साथ मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ही लहसुन पाउडर, आप मिन्स लहसुन भी ले सकते हैं। 3 to 4 पिंचेस हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है तहीनी सॉस। अगर आपके पास तहीनी अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो तिल डाल सकते हैं। तिल डाल के आप इस सारे मिक्सचर को जो है वो ग्राइंड कर लें एंड जस्ट मिक्स इट वेल। ये आप पे है कि आप इसमें क्या ऐड करते हैं। अब इसको प्रॉपरली मिक्स कर लें, आपकी जो सॉस है शवरमा सॉस वो प्रिपेयर हो जाएगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें पिज्ज़ा और शवरमा दोनों का टच है एंड यू गाइस गोना लव दिस। सॉस हो गई है जी प्रिपेयर, अब हम क्विकली से अपना चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप चिकन क्यूब्स लिए हैं, उसमें मैं ऐड करी हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा नमक आप अपना जायके के मुताबिक ले सकते हैं, पेपरिका पाउडर और 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल जिसमें वो जल्दी से कुक हो जाए। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर अपना ऑयल, चिकन और अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दें आप। आपको चाट मसाला, टिक्का मसाला या कोई भी और मसाला जो है वो अच्छा लगता है तो आप उसमें ऐड कर दें। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इसको प्रॉपरली जो है वो भून के पका लेंगे अपने ही पानी के अंदर और ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई होकर जल्दी से कुक हो जाएगा। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो कुक कर लेना है ताकि ये प्रॉपरली कुक हो जाए। यू कैन सी दैट कि मेरा चिकन जो है वो 10 मिनट में रेडी हो गया था। 2 से 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी डो कितनी ज़्यादा राइज हो गई है। ये बेसिकली राइज नहीं हुई है, एक्सपैंड हो गई थी क्योंकि ऊपर से बिल्कुल कवर थी, दैट्स वाई। अब आप इसको इसके अंदर से थोड़े से एयर बबल्स निकाल लें इसको पंच करके, देन आफ्टर दैट आप इसमें इसको थोड़ा सा और नीट करें ताकि एयर बबल्स प्रॉपरली निकल जाए। और फिर उसके बाद हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। आप इससे 4 शवरमा पिज्ज़ा भी बना सकते हैं 4 पेड़े बनाकर। अगर आपको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा मोटी डो तो आप इसके 4 पेड़े बनाकर पतली जो है वो शवरमा ब्रेड भी बना सकते हैं, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट स्टेप है जी आपका शेपिंग का। आपको एक काउंटर के ऊपर पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, मैदा डस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अपना एक पेड़ा ले लें और उसको आप जो है वो शेप अप कर लें रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर आपको वो भी समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने किस तरह से इसको शेप दिया है। अब आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है ऑन अ पिज़्ज़ा पैन या कोई भी आपके पास नॉन स्टिक पैन है, नीचे उस पर ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसकी फिलिंग करते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ पहले पिज़्ज़ा सॉस, 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी अपना प्रिपेयर चिकन जो आपने प्रिपेयर किया था। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है बारीक कटी हुई, जो शवरमा में जिस तरह से होती है आप देख रहे होंगे कि हमारी पिज़्ज़ा और शवरमा के इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी कॉर्न्स, आप हैलपिनोज ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी मैं अपनी गार्लिक वाइट सॉस ऐड कर रही हूँ, जैसे हम शवरमा में करते हैं। आप देख रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा ही यमी लग रहा है, अभी ही ये बहुत मज़े का बनने
वाला है। नेक्स्ट स्टेप आपने ध्यान से देखना है कि हम इसको बंद किस तरह से करेंगे, इसका खुलने का जो है वो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है, तो आपने इसको प्रॉपरली देखना है। इसलिए मैंने ये ज़रा आपको स्लो करके प्रोसेस दिखाया है कि आपको इसको किस तरह से जो है वो बंद करना है। एक साइड से उठा के दूसरी साइड को दूसरी साइड के ऊपर रखना है आपको, ताकि एक दूसरे को ओवरलैप करें, और फिर आपको इसकी साइड्स को प्रॉपरली बंद करके इसको बेक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी कभी आप कोई चीज़ बेक करें, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, उसकी डो को पहले ही पैन में सेट करें, उसके बाद उसकी फिलिंग को ऐड करें। जब आप पहले ऐड करके सब चीज़ें दोबारा पैन में उसको रखते हैं तो आपकी जो डो है वो ख़राब हो जाती है, शेप ख़राब हो जाती है। जैसे कि ज़्यादातर मेरे साथ चिकन ब्रेड बनाते हुए ये होता है। शेप मैंने प्रॉपरली दे लिया, अब मैंने इसके ऊपर एग योक लगाया है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। उसके ऊपर कैप्सिकम्स लगा रही हूँ फॉर अ फैंसी लुक। इसको थोड़ा सा टैप कर लें ताकि ये जो है साइड्स आपकी खुल ना जाएं, जब ये बेक होंगी तो ये ओपन होना शुरू हो जाएंगी। इनको प्रॉपरली ज़ोर से दबा कर बंद कीजिएगा। उसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला या चेडर चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें। उसके अलावा मैं यहाँ पे हैलोपिनोज़ यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादातर जो है वो ऑलिव्स ही यूज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पे हैलोपिनोज़ यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए मैंने टमाटोज़ भी ऐड कर लिए। यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनोज़ हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसको करेंगे जी बेक। यू कैन सी इट्स शेप भी कितना प्यारा लग रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का यूनिक स्टाइल है, ये आपको ज़रूर ट्राई करना है। आपको इसको उतनी ही देर पकाना है जितना हम पिज़्ज़ा को पकाते हैं। आपको ऑलमोस्ट जो है वो 20-25 मिनट्स जो है इसको बेक करना है, और बेक होने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। टाइमिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, अभी भी मैंने ऊपर मैंशन कर दिया। आप उस डिग्री सेल्सियस पर अपना बेक करें इसको, और इसको मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट इसकी डो बनी है, अंदर से लेयर्स वाली इसकी डो बनी है। और यू कैन सी दैट कितनी ज़्यादा ये मज़े के लग रहा है, और ये बहुत ही मज़ेदार था टेस्ट में। यू गाइस गोना लव दिस, आप इसको ट्राई करें, इसकी जो फीडबैक है वो मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।